आज छठ पर्व का तीसरा दिन व्रती महिलाओं ने आज शाम डूबते सूर्य को दिया अर्घ। छठ पर राहुल गांधी समेत दिग्गज नेताओं ने दी बधाई। योगी का दिखा भोजपुरी अंदाज। हमारा तरफ से छठ का बहुत बहुत बधाई। रुड़की में फायर ब्रिगेड की टीम का एक अलग अंदाज देखने को मिला। हाई टेंशन तार के करीब फंसे एक पक्षी को बचाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम ने लगाया जोर। मशक्कत के बाद पक्षी को निकाला गया। सीकर के एक गांव में एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गया। मामले के अनुसार गडटक नेत का रहने वाला राम सिंह पिछले कई दिनों से प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगा रहा था। राम सिंह की मांग थी कि उसका घर का रास्ता कुछ दबंगों ने बंद कर दिया है और अतिक्रमण कर रखा है, जिसके चलते उसे अपने घर पर आने जाने में परेशानी हो रही है। अभिनेता कार्तिक आर्यन ने कहा कि वे रणबीर कपूर की फिल्में चुनने के तरीके से जलते हैं। उन्होंने कहा, रणबीर कपूर एक ऐसे एक्टर हैं जिनका काम शानदार रहा है। उन्होंने अर्जुन कपूर, वरुण धवन और आयुष्मान खुराना के साथ प्रतिस्पर्धा के सवाल पर कहा, हमारे सफर में बहुत अंतर है, हम एक दूसरे को बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वेस्टइंडीज दौरे की शुरुआत बेहद खराब रही। मिताली राज की अगुवाई में टीम इंडिया को तीन मैचों की सीरीज के पहले मैच में महज एक रन से हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने पहले खेलते हुए 60 विकेट पर 225 रन का स्कोर खड़ा किया।